मैं तुम्हें एक सिपाही की तरह मैदान जंग में मारना चाहता था, लेकिन तुम एक गद्दार की तरह मरना चाहते हो। तो तुम्हें लगता है कि जंगें सिर्फ मैदान में ही होती हैं? यही वजह है कि तुम कभी जीत नहीं सके। एक ऐसा इंसान जो मरने वाला है, ये जुर्रत वाले जुमले हैं उस्मान, तुम हार चुके हो। ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है मेरा। ये गद्दार जिन्होंने रियासत सलजूक से गद्दारी की, आज यहां अपनी जाने देंगे। वो सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से माजूल करके सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मसूद को तख्त पे लाना चाहते थे। इन्होंने कमानदारों के साथ खेल खेला। कोई भी दिल में गद्दारी लिए नहीं घूमेगा, वरना गद्दारों की आकबत ऐसी होगी। सबसे बड़ा गद्दार वो जिसने गद्दारी की दहकती आग जलाई और बेगुनाहों की मौत का सबब बना, उस्मान साहब। हमारे दिल में गज़वे की आग रियासत सलजूक के लिए हरगिज नहीं है। जालिम के इत्तेहादियों के लिए है। ऐ लोगों, जो नाइमान जालिम के इत्तेहादी हैं, वो ये हरगिज ना भूलें। हमें किस तरह कुचला गया, हर किसी को याद होना चाहिए। हमारे खून की एक एक बूंद के बदले इंतकाम की आग जलाए रखना, क्योंकि जब हम लोग गिरेंगे, सारे लोग उठ खड़े होंगे। मार डालो अब इसे। रुक जाओ जरा। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالا उस्मान। श्रीकुल, नाइमान ने रास्ता बंद किया हुआ होगा। सिपाहियों ऐसा करें, श्रीकुल को कारतासू ले जाएं। हम मिलकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे। कौन हो तुम? गजल खान की रजाई बेटी और उनकी माहिर कमानदार। तुम कोई भी हो, कोनिया महल में इस तरह दाखिल नहीं हो सकती, खासतौर पे इस गद्दार के साथ।
कोनिया गजर खान की मिल्कियत है। उस्मान साहब भी गजर खान के दोस्त हैं। अपने तमाम सिपाहियों से कह दो कि तलवारें तेज कर ले फास्तोस, हम करीब हैं। हमारी तलवारें गुस्से से भी ज्यादा तेज हैं जनाब, हम तुर्कों पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, हम उस्मान की सफों में खड़ी तमाम कुव्वतों को आज तबाह कर कर रख देंगे। अगर उस्मान कोनिया में कामयाब हो जाता है तो उसे यहां कोई तलवार थामने वाला नहीं मिलेगा। जनाब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हमला कहां करना है। कारगुन कबीले पर हमलावर होंगे, जो भी सामने आएगा उसे तबाह कर देंगे। कोनिया इस्लाम की सरजमीन है। उस्मान साहब ने खत भेजा और वो खत मैंने खुद देखा, मगर सुल्तान ने नहीं, उनकी वालदा ने लिखा। बगावत का ऐलान करने वाला नाइमान भी यहीं मौजूद है। कोनिया महल तुम्हारा मजार होगा बदतमीज खातून, तुम्हारा भी बाला खातून। वालिदा सुल्तान, हथियार डाल दीजिए, मजीद खून नहीं बहेगा। सिपाहियों हथियार डालो, सिपाहियों इंशाल्लाह। फिलहाल सिक्के बनाना बंद कर दें, जब उस्मान साहब आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। जो हुकुम मलून खातून। मलून खातून, मलून खातून, क्या हुआ गोकलोजे? खैरियत है? बुरसा के तैकफूर ने हर तरफ हमला किया है। क्या कह रहे हो ये? कबाइल से खबरें मौसूल हो रही हैं। उराज साहब, दमीर साहब, सबकी तरफ से खबरें मौसूल हो रही है। हालात ठीक नहीं। सिपाहियों घोड़े तैयार करो। एक लश्कर कारगुन की तरफ बढ़ रहा है। और हान अलाउद्दीन, चलो चलते हैं। आलगन, कुमराल अब्दाल को खबर भेजो, तमाम हुक्मा और सिपाहियों को बताओ सब कबाइल जाएंगे। गोकलोजे, एनागोल, मिलजे, काराजा हिसार, हर जगह पैगाम भेजो, हमें एहतियात करनी होगी। चलो बेटो मेरे साथ आओ। Oh!
तीसरी यहाँ पहुँच सकती है तो इसका मतलब कोनिया पर इसका कब्जा है। कोनिया भी गजल खान का है इसमें हम, हमें पीछे हटने की जरूरत है। कोनिया मेरा है, मैं मर जाऊंगी लेकिन इनके हवाले नहीं करूंगी नायमान। कोनिया वापस हासिल करने के लिए हम अभी पीछे हटेंगे इसमें हम। चला ले, सुल्तान की हिफाजत करो। उस्मान ये भाग रहे हैं। जाने दो उन्हें, जाने दो, ये उनके खत्म का वक्त है। तख्त सुल्तान मसूद का है, जरा संभल के। अलचेक, क्या हुआ? इस उदासी की वजह क्या है? ठीक हूं, मैं बेहतर हूं। मैं अपनी वालिदा के बगैर क्या करूंगी अख्त तैमूर? मेरे बाबा चले गए, मेरी बहनों जैसी दोस्त चली गई और अब वालिदा जा रही हैं। अलचेक, मैं इधर ही हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ हूं। इसके अलावा 2 साल एक मुख्तसर वक्त है, वो मुस्तकिल तौर पर नहीं जा रही हैं। आप लोग दोबारा मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मुझसे आप वादा करें क्या आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं अलचेक, वादा है, बस मेरा यकीन करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? जी जरूर, आ जाइए। जनाब, बेंगे खातून आई हैं। वालिदा आई हैं अख्त तैमूर। शुक्र है, तुम दोबारा उस्मान साहब के सौंपे हुए फर्ज पर जाओ। जो हुक्म जनाब। चलें, आप चलते हैं। शामदीद बेंगे खातून। वालिदा, खुश आमदीद। इंशाअल्लाह ये मुख्तसर अलविदा होगा। आइबर्स, वो क्या है? नहीं जानता जनाब। जाओ उसे देखो। ये क्या हुआ? ये तो मर गया। हम पे हमला हुआ है। हम तुर्कों को जहन्नुम वासिल करेंगे। बंद करो। अंदर
अर्जुजे औरतों और बच्चों को पीछे जमा करो, उनकी हिफाजत करो। चलो चले, इस तरफ चलते हैं। मुझे तलवार दो, जल्दी करो। रहम मत खाना किसी पर भी, आज हम किसी पर रहम नहीं करेंगे। गजर खान चाहते हैं कि आप तख्त पर बैठें। सलामत रहें उस्मान सरदार। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे सुल्तान हजरत। एसरीगुल खातून, आप वक्त पर चली आई, अच्छा किया, जीती रहिए। आप उस गद्दार से इतने वक्त से अकेले ही अपने तौर पर लड़ रहे हैं उस्मान साहब, हमें आने में देर हो गई। अब मैं उस्मान सरदार से अकेले में बात करना चाहता हूँ।